नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तेजस्वी ने बुलाई महागठबंधन की बैठक, देश भर के बीजेपी विरोधी नेताओं को करेंगे एकजुट, 27 को गोलबंदी की तैयारी। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बहस छिड़ी है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की सियासत चरम पर है। जब से केंद्र सरकार ने यह कहा है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होने वाली है, तब से बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देश भर में बीजेपी विरोधी नेताओं को एकजुट करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी देवी आवास पर बुलाई है। शुक्रवार को पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि उनका फैसला है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होगी, यानी कि उन्हें साफ कर दिया है कि केंद्र में बैठी आरएसएस विचारधारा वाली पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। आरएसएस वाले नहीं चाहते हैं कि देश में तरक्की हो। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी, कोरोना टीका का सर्टिफिकेट लेकर मेला घूमने जाएंगे लोग, नीतीश सरकार ने तय किया ये नया नियम कानून। बिहार में आज अनलॉक 6 की मियाद पूरी हो रही है और कल से बिहार सरकार ने अनलॉक के 7वें फेज का ऐलान कर दिया है। अनलॉक 7 के नियम कानून को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार विशेषकर दुर्गा पूजा और अन्य पर्व त्योहार को लेकर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। नीतीश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक इस बार लोगों को दुर्गा पूजा में कोरोना के टीकाकरण संबंधित सर्टिफिकेट लेकर मेला घूमने जाना होगा। शुक्रवार को बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने को लेकर अनलॉक 7 का ऐलान किया है और इसकी गाइडलाइन जारी की गई है। इस नई गाइडलाइन में दुर्गा पूजा और मेला को लेकर साफ साफ यह लिखा गया है कि किस स्थिति में जिले के डीएम दुर्गा पूजा में पंडालों और मेला की अनुमति देंगे। सीएम नीतीश ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे उनके लिए कोविड जांच जरूरी है। मतलब साफ है कि बिहार में जो लोग दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के मौके पर आएंगे वह कोविड जांच जरूर कराएंगे। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा के बाद दीपावली एवं छठ में काफी भीड़ रहती है, इसीलिए इन त्योहारों पर एहतियात बरतने और भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के उपायों का प्रयोग करने के लिए कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर लिखा है कि आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस और भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य कोविड जांच कराई जाएगी। बिहार एसएससी में बम्पर बहाली, इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, 35,000 सैलरी देगी सरकार। बिहार में युवाओं के लिए एक बार फिर सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी की ओर से माइंस इंस्पेक्टर के पद पर बहाली निकाली गई है। इसको लेकर आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 100 पदों पर भर्तियां होंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक इंस्पेक्टर के पद पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2021 को शुरू हुई है। इसमें आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2021 रखी गई है, जबकि फाइनल फॉर्म सबमिट करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। हालांकि फिलहाल परीक्षा आयोजित करने का तारीख नहीं घोषित हुई है। इन पदों पर आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन भुगतान के लिए राशि जारी। बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 66,104 पंचायती राज और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 8,36,23,04,660 की राशि जारी की है। इनमें से
इन शिक्षकों के अगस्त से नवंबर तक के वेतन का भुगतान किया जाएगा। जानकारी हो कि बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 3,23,000 शिक्षक पंचायत प्रखंड और नगर शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 66,104 नगर प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार की निधि से होता है, जबकि बाकी प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन समग्र शिक्षा अभियान मद से होता है। इस वित्तीय वर्ष में 66,104 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कुल बजट 26,13,20,41,000 रुपये का है। इसी राशि में इन शिक्षकों के अगस्त से नवंबर तक के वेतन के लिए 8,36,23,04,660 रुपये खर्च की स्वीकृति शिक्षा विभाग ने दी है। उच्च शिक्षा में राज्य के 39 संबंध डिग्री कॉलेजों को सरकार 249 करोड़ रुपये देगी। यह राशि संबंध डिग्री कॉलेजों को स्नातक शैक्षणिक सत्र 2009-12 और 10-13 में छात्र छात्राओं की श्रेणी वार रिजल्ट के आधार पर अनुदान के रूप में सरकार की ओर से दी जाएगी। शराबबंदी के नियमों को नीतीश सरकार ने और सख्त किया, जानिए कैसे होगी कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भले ही इसका अवैध कारोबार फल फूल रहा हो, लेकिन सरकार शराबबंदी के नियमों को और सख्त बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है। यदि सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी को लेकर नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है, इससे जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास किया गया है। अब किसी भी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री या आयात निर्यात जाने पर पूरे परिसर को सील किया जाएगा, जबकि आवासीय परिसरों के उस हिस्से को सीलबंद किया जाएगा जहां अवैध गतिविधि हुई, ना कि पूरा परिसर। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है। सरकार ने इसे लेकर जारी आदेश में कहा है कि बिहार से गुजरने वाले मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए घोषित चेक पोस्ट पर अनुमति लेनी होगी। ऐसे वाहनों को 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलना अनिवार्य होगा। सीमा में प्रवेश के समय वाहनों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा। इथेनॉल का उत्पादन करने की कंपनी की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत संचालित होगी। छावनी क्षेत्र या मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी और कैंटोनमेंट जोन क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग की अनुमति नहीं होगी। नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का नियम बदला, साइकिल और पोशाक के लिए अब अटेंडेंस की शर्त खत्म। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए 75% अटेंडेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है। नीतीश सरकार ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। 30 कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि साल 2021-22 के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 75% हाजिरी के बगैर भी छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिल पाएगा। हालांकि यह व्यवस्था केवल 1 साल के लिए की गई है। कैबिनेट ने जिन प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें यह शामिल था, दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस साल स्कूल ज्यादातर दिनों में बंद ही रहे, लिहाजा अटेंडेंस की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया गया है। पटना बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल प्लाजा हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा। पटना बख्तियारपुर फोरलेन पर दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा को हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब दीदारगंज टोल प्लाजा नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें पटना बख्तियारपुर फोरलेन रोड पर दीदारगंज के पास करमाली चक पर बने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने एनएचएआई की एसएलपी पर यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि टोल प्लाजा कहां बनेगा। हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश स्थानीय नागरिकों की याचिका पर दिया था, जिन्होंने कहा था कि टोल के म्यूनिसिपल सीमा में होने के कारण उन्हें टोल देना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि नियमानुसार टोल प्लाजा नगर निगम सीमा से बाहर होना चाहिए। सीएम नीतीश ने सीनियर अफसरों को लगाई फटकार, काम पेंडिंग रहने पर जमकर लताड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते शुक्रवार को गृह विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं की कुल लागत 237.881 करोड़ रुपये है, जिसमें 38 थाना भवन, सुपौल पुलिस लाइन, केंद्रीय
प्रशिक्षण संस्थान बिहटा समेत कुल 94 नवनिर्मित पुलिस भवन शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 149.96 करोड़ की लागत से बनने वाले 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में पेंडिंग कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अफसरों को खूब फटकार भी लगाई। दरअसल अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान करीब 15 थाना भवनों का निर्माण बचा होने की जानकारी दी, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि पेंडिंग बचे थाना भवन निर्माण को लेकर कई बार मैंने खुद सभी जिलों के डीएम और एसपी से बातचीत की, लेकिन इसके बाद भी अगर भवनों का निर्माण पेंडिंग है तो इस बात की मुझे तकलीफ है। बिहार के सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कैबिनेट में लगी मुहर। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रहे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार के सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया है। बुधवार शाम को 4 देशरत्न स्थित संवाद में शाम 4:30 जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को बकाया डीए का भुगतान एकमुश्त किस्त में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही कैलेंडर 2022 पर भी हरी झंडी दे दी गई है। बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और एनआईए की छुट्टी पर मुहर लगी है। सावधान, बिहार में वायरल बुखार का कहर जारी, 946 बच्चे पहुंचे हॉस्पिटल, 78 को अस्पताल से मिली छुट्टी। बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर अपना कहर बच्चों पर बरपा रहा है। यहां वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे मंगलवार को दिन भर अस्पताल पहुंचते रहे। बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले 946 बच्चे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से 50 गंभीर बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। एक ओर वायरल बुखार के कारण कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक राहत की भी खबर है। राहत की बात यह है कि 78 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। किसी भी बच्चे में चिकनगुनिया, मलेरिया या अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वायरल पीड़ित बच्चों की जांच में 2 डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। ये बच्चे बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना स्थित पीएमसीएच में भर्ती हैं। पूर्णिया जिले में इन दिनों वायरल फीवर के बीच 25 बच्चों के सैंपल जाँच में कुल 5 डेंगू और 3 मलेरिया के रोगी निकलने के बाद विभाग अब सतर्क हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।